जैविक खेती के द्वारा लुप्त हो रहे धानों की खेती करने के लिए सामने आए युवा लेखक पत्रकार। पश्चिम बंगाल राज्य के प्रांतिक जिला कूच बिहार के एक गांव टैगनवाड़ी में कुछ साल पहले दिल्ली से पत्रकारिता की नौकरी छोड़कर रोजगार की राह बनाने के लक्ष्य से अपनी पुश्तैनी जमीन को जैविक खेती के लिए चुना है। युवा पत्रकार विश्वजीत झा ने अपनी पुश्तैनी जमीन को जैविक खेती के रूप में चुनने के बाद इसी साल मानसून के समय उन्होंने लुप्त हो रहे कई प्रजाति के धानों को कृषि कार्य के लिए अपनाया। साथ साथ नई पीढ़ी के युवा किसानों को भी जैविक खेती के लिए उत्साहित करने का काम भी आरंभ किया। पत्रकार लेखक विश्वजीत का कहना है, हम हर रोज थाली में पकाया हुआ जो खाना खाते हैं उसका कृतित्व सिर्फ रसोईया या पाचक को ही देते हैं, मगर इसकी असली हकदार तो किसान हैं। उनको सम्मान मिलना चाहिए और इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। विश्वजीत ने अपना काम पत्रकार लेखक होने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी शुरू किया है। कूच बिहार पश्चिम बंगाल से अरुण कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जैविक खेती को उत्साहित करने के लिए खुद सामने आए युवा पत्रकार। जैविक खेती के द्वारा लुप्त हो रहे धानों की खेती करने के लिए सामने आए युवा लेखक पत्रकार। हाँ, यह बात सच है, पत्रकार भी अब प्रकृति संरक्षण तथा जैविक खेती को अपनाने के माध्यम से राह दिखाने के लिए सामने आए हैं। ऐसी ही एक छवि देखने को मिला पश्चिम बंगाल राज्य के प्रांतिक जिला कूचबिहार के एक गांव टैंगनबाड़ी में, जहां कुछ साल पहले दिल्ली से पत्रकारिता की नौकरी छोड़कर खुद अपना रोजगार की राह बनाने के लक्ष्य से अपनी पुश्तैनी जमीन को जैविक खेती के लिए चुना है युवा पत्रकार विश्वजीत झा ने। अंग्रेजी में मास्टर डिग्री के अधिकारी 35 वर्ष उम्र के युवा लेखक पत्रकार विश्वजीत ने इस गांव में जैविक खेती को अपनाया है आधुनिक तकनीकी के प्रयोग के द्वारा। अपनी पुश्तैनी जमीन को जैविक खेती के रूप में चुनने के बाद इसी साल मानसून के समय उन्होंने लुप्त तो हो रहे कई प्रजाति के धानों को कृषि कार्य के लिए चुना है। साथ साथ नई पीढ़ी के युवा किसानों को भी जैविक खेती के लिए उत्साहित करने का काम भी आरंभ किया है। मैं विश्वजीत झा, मैं लेखक हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और एक टाइम मैं नेशनल मीडिया में जर्नलिज्म भी किया। तो अभी मैं कुछ बिहार में दिल्ली से वापस आके डिफरेंट सोशल काम मैं कर रहा हूँ, वो है एक जैविक खेती। तो जैविक खेती का जो कुछ बिहार में ये फर्स्ट खेती है और फर्स्ट मतलब फार्म है जिसमें जैविक खेती को हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं। तो हम लोग 6 वेराइटी का धान जो चावल है उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो वो 6 वेराइटी में एक है चखाओ जो मणिपुर में मिलता है, एक है ब्लैक राइस जो एक टाइम चाइना में पॉपुलर था एवं जो रईस लोग है वही ये ब्लैक राइस खाता था, और उसमें और दो तीन और जो लोकल एक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल का लोकल जो एक है कालोनोनिया वो भी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे डेडिकेटेड प्रमोशन के जो मेन रीज़न है जैविक खेती को प्रमोशन के लिए, और जो कृषक है किसान है उनका जो सम्मान है वो मिले, उनको प्रोत्साहन मिले कि आगे जाके वो लोग कृषि में अपना आर्थिक भी बेनिफिट मिले, तो ये है इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव। पत्रकार विश्वजीत का कहना है, हम हर रोज थाली में पकाया हुआ जो खाना खाते हैं उसका कृतित्व सिर्फ रसोईया या पाचक को ही देते हैं, मगर इसकी असली हकदार तो किसान हैं, उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए और इसके लिए हमें अपना सोच भी बदलना होगा आने वाले दिनों में। युवा पत्रकार विश्वजीत ने किसान बनने के बाद खेती करने से पहले प्रकृति पूजा के जरिए जमीन को छोटा ट्रैक्टर पावर टीलर के द्वारा जमीन तैयार किया और वहां पर लुप्त हो रहे धान के चारों को बोने का काम भी शुरू किया। विश्वजीत का विश्वास है, जैविक खेती द्वारा प्रकृति संरक्षण के साथ साथ लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा भी जैविक खेती द्वारा उत्पादित खाद्यान्न पदार्थ द्वारा संभव है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि जैविक खेती द्वारा उत्पादित खाद्य सामग्री की बाजार
तैयार करना भी जरूरी है। किसानों में आग्रह उत्साह तभी होगा जब उन्हें पर्याप्त बाजार या मंडी की सुविधा प्राप्त होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विश्वजीत ने अपना काम पत्रकार होने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी शुरू किया है। विश्वजीत आने वाले दिनों में कितने सफल होते हैं, इसके लिए हमें और कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा।